आज बात जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो YouTube की देखी होगी वो इसी मंदिर से शुरू हुई थी और अभी हमारे लिए नाश्ता वगैरह लेकर के यहीं आए। बाकी इस मंदिर की खास बात, जब भी यहाँ हर कोई आता ना तो एक शिला है जो मंदिर के बाहर पे, दादी जी और यहाँ पे रुके हैं ना तो बोल रहे इस पे ये पुराना फल होता है, पेड़ वाली इसको म्योला बोलते भाई, इसको खा रहे। चाबी लेके भाग गया यार, तो हद हो गई। क्या है यार, तुम चाबी लेके भाग गए। कसम से फाइनली चाबी भी आ गई, गाड़ी स्टार्ट होगी अपनी, थोड़ा गर्म कर रहे हैं फिर निकलते हैं। प्यास बैठते ही बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा हो रखा है। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, ये है तीसरा दिन, यानी शादी को लगभग मेहंदी और जो शादी वाली वीडियो थी आप लोगों ने देख ली होगी। जो उठ गए थे वहाँ गए थे शादी वालों के यहाँ नाश्ता बनाने के लिए और अभी हमारे लिए नाश्ता वगैरह लेकर के यहीं आ गए। हमने तो कह दिया था कि उधर ही जाते हैं लेकिन माने नहीं, यहीं लेके आ गए। फिलहाल रेडी हो गए हैं, इसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं फिर चलते हैं धारा पूजन के लिए। सुबह सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है, वहाँ पे ये लोग अभी भी लगे हैं नाश्ता वगैरह बनाने पे और यहाँ भी हमारे गांव की तरह लेट में धूप आती है और यहाँ से ऊपर है सूखी गांव, वहाँ भी देख लो वहाँ से नीचे को आती है धूप आजकल। बाकी भला गांव की खास बात क्या है कि ये गांव पूरे चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां भी नज़र दौड़ाओ पूरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। बाकी यहां नीचे देख लो बिल्कुल सामने नदी बह रही है। तो चलिए भाई, नाश्ता भी आ गया है और धूप में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। यहां देख लो सुबह सुबह छोले पूरी और पानी भी आ गया अभी। तो चलिए जी, फिर तैयारी हो गई है मंदिर तक जाने की। जो लोग कंटिन्यू वीडियो देखते होंगे उनको पता ही होगा भला गांव में बिंदेश्वर महादेव जी का मंदिर है और यहीं पे धारा और मंदिर एक ही साथ है। तो दुल्हन ने यहां से घड़े में पानी भरकर ऊपर गांव तक ले जाना है, जबकि मनोज भाई और गांव के लास्ट छोर में रहते हैं भाई। अब लगा लो यहां से घड़ा पूरे गाँव तक ले जाना है। तो फिलहाल मंदिर में पहुँच गए हैं और ये सामने रहा बिंदेश्वर महादेव जी का मंदिर। जय हो महादेव जी। खास बात, जिन लोगों ने मेरी पहली वीडियो YouTube की देखी होगी वो इसी मंदिर से शुरू हुई थी, तो इसी मंदिर से मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी थी। चलिए भाई, धारा पूजन वगैरह सारा हो गया है, अब जा रहे हैं बाकी वापसी जहां शादी वाले घर है। बाकी इस मंदिर की खास बात, जब भी यहाँ हर कोई आता ना तो एक शिला है जो मंदिर के बाहर पे, उस पे हर कोई ट्राई करता रहता है कि कितना उठा पाते हैं। बाकी अभी तक हमने तो किया नहीं, टाइम मिला ही नहीं वैसे, और इसने करा था भाई आज। कितना उठाया तूने शिला, ऐसे बोल दो सर पे रखा सीधे। दादी जी और यहाँ पे रुके हैं ना तो बोल रहे इस पे ये पुराना फल होता है, पेड़ वाली इसको म्योला बोलते भाई, इसको खा रहे। अभी पके नहीं है, अभी तो पके नहीं, क्यों इसको पकाया भी जाता है। हाँ, और पका के देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एक दो निकाल रहे हैं तो आप खाओ, हम तो चलते हैं आगे। ठीक है। चलिए भाई, मित्रवर भी पधार चुके हैं, बाकी इनका ससुराल का गाँव है ये, इसलिए इनको आना ही पड़ता ना कोई भी शादी है। क्यों, चल तो चलिए जी, जस्ट अभी खाना वगैरह भी हो गया है, बाकी धारा पूजन वगैरह जितना भी था, जितने भी शादी में फोटोग्राफी का काम था वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से निकलने का टाइम है तो फटाफट से यहाँ से सामान वगैरह लेकर चलते हैं फिर निकल जाते हैं, साथ में कमलेश भाई भी है तो कुछ सामान वो भी ले जा देगा। तो भाई यहाँ से निकलते थे कि सामान ऐसा फैला रखा ना, फटाफट समेटते हैं सारे, निकलते हैं यहाँ से। चलिए भाई निकलते हैं अब यहाँ से, ठीक तब वाह। ओ भाई, अगले महीने 12-13 तारीख तक शादियों का सीजन है तो उसी टाइम पे हमारी भी लास्ट बुकिंग होगी 12 को।
ये झूला पुल इतना लंबा है, इसको पार करने में इतना टाइम लग जाता है, बताइए क्या, लगभग 100-150 मीटर लंबा होगा। भाई रोड पे आते ही हमारे साथ प्रैंक हो गया भाई, खतरनाक वाला। यहाँ देख लो ना, ये ऐसा खड़ा उड़ गया यहाँ पे स्कूटी लगा रखी है यहाँ पे, और स्कूटी की चाबी कमलेश भाई स्कूटी में अपने स्कूटी के साथ हमारे बैग के साथ तब वो बन ले गया। और वैसे भी हमारे फ़ोन पर नेटवर्क तो है नहीं, किसी के थ्रू फ़ोन तो करवा दिया है जैसे तैसे। अब वापसी आएगा, उसको टाइम लगने वाला है वापसी आने में, फिलहाल वेट करते हैं इस सुनसान से जगह पे। रोड से गांव इतनी दूरी पर है, लगभग थोड़ा बहुत पैदल है गांव तक जाने के लिए, और इसी गांव में शादी से आए हम अभी जस्ट। चाबी ले के भाग गया यार, तो हद हो गई क्या है यार। चलो फाइनली चाबी आ गई वापसी, 1.5 किलोमीटर आगे चले गए ना, तो कम से कम 2 किलोमीटर। चलो अब इसी में चलते हैं आराम से, ठीक है चल तू। ठीक ठीक हाँ तुम चाबी लेके भाग गए कसम से। ठीक फाइनली चाबी भी आ गई, गाड़ी स्टार्ट होगी अपनी, थोड़ा गर्म कर रहे हैं, फिर निकलते हैं अपने धाम की ओर, भविष्य बद्री धाम की ओर। बाकी दोस्तों इसी बॉर्डर रोड पे पड़ता है सलदार गांव, और जो कि हमारे गांव का पार्ट है। पहले परसों भी आया था मैं यहाँ पे, और ये स्टेशन है हमारा पुराना, जहाँ से पहले हम पैदल जाया करते थे, और जस्ट रास्ता यहाँ से ऊपर की ओर है, जो सामने गेट लगा हुआ है और सलदार गांव है ऊपर, यहाँ से जो लास्ट ऊपर चोटी दिखाई दे रही है वहाँ से जाते हैं भविष्य बद्री के लिए। ये इनका है ना सुभाष औरों का, तो ये टूट गया इस बार, यहाँ देख लो, पहले यहाँ पे दुकान था, अब ये टूट गया पूरा, क्योंकि इसकी रखवाली हो नहीं रही थी, इस यहाँ से कभी आए नहीं, तो आज देखा तो पूरा ये टूट गया है। अब केवल ये पठाल है, पठाल काम आएंगे या तो भेज देंगे यहाँ से या घर को ले जाएंगे। तो चलिए जी निकलते हैं अब यहाँ से घर की ओर, और जैसे ही धूप निकल गई ना पहाड़ों की ओर, वैसे ही अंधेरा होना शुरू हो गया है इस साइड, मतलब ज़्यादातर गांव ऐसे ही है, अगर धूप निकल जाती है तो सीधे शाम होना यानी रात होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि धूप लेट से आती है और जल्दी जल्दी पहाड़ों के ऊपर छिप जाती है, क्योंकि चारों ओर पहाड़े ही पहाड़े हैं, इस वजह से धूप ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है। चलिए जी शाम के 5 बजने वाले हैं, और अब जाकर पहुंचे हैं गांव में। बाकी यहां आते ही देख लो धूप भी निकल गई है पहाड़ों के पीछे, बाकी स्कूटी यहां पे पार्क कर दी है, और यहां पे रहा नारायण जी का मंदिर, जय हो नारायण जी। फिलहाल इस मंदिर के कपाट बंद है 6 महीने के लिए, निकलते हैं घर की ओर, टाटा बाय एंड सी यू।